हमले के बाद पूरे देश में जहां पाकिस्तान के लिए गुस्सा है, तो वहीं मुंबई में इसे लेकर सियासी घमासान चरम पर है। राज ठाकरे की एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों को यहां से चले जाने का अल्टीमेटम दिया है और इसी पर अब सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। धमकी, शिकायत और नसीहतों की नई इबारत लिखी जा रही है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने एमएनएस नेता अमेय खोपकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूनावाला ने खोपकर के खिलाफ मामले की धमकी देने और पाकिस्तानी एजेंट कहने के मामले में शिकायत की है। पूनावाला ने शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी को दी है। वहीं दूसरे दल भी सियासी अखाड़े में कूद पड़े हैं। तो वहीं सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि एमएनएस के लोग लगातार गुंडागर्दी करते रहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर से कश्मीर का राग लापा है। नवाज शरीफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी बेस पर हुआ आतंकी हमला कश्मीर तनाव की देन है। पाकिस्तानी पीएम इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सम्मेलन से हिस्सा लेकर लंदन पहुंचे पाक पीएम ने कहा, मैं कश्मीर तनाव पर कुछ नहीं कहना चाहता, भारत दूसरों पर आरोप लगा रहा है। उरी हमले के 12 घंटे के अंदर भारत ने पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया, जबकि हमले को लेकर भारत ने कोई जांच भी नहीं की है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस तरह की चीजों को मंजूर नहीं करेगा। इसके पहले कश्मीर में तनाव को लेकर नवाज शरीफ ने अमेरिका से मदद भी मांगी थी। झारखंड में रिम्स के आर्थो वार्ड के कॉरिडोर में एक लावारिस महिला को फर्श पर खाना परोसने के मामले को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। सीएम रघुवर दास के आदेश के बाद शुक्रवार को 3 सदस्यीय जांच टीम ने रिम्स की उपाधीक्षक और डायटिशियन कुमारी मीनाक्षी से पूछताछ की। महिला ने टीम को बताया कि वो पिछले एक महीने से फर्श पर ही खाना खा रही है और किचन का स्टाफ उसे पिछले एक महीने से फर्श पर ही खाना देता है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 को होगी। मामला सामने आने के बाद रिम्स प्रशासन ने उस कर्मचारी को हटा दिया है जिसने महिला को जमीन पर खाना परोसा था। आपको बता दें कि गुरुवार को झारखंड के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक किए जाने का मामला सामने आया है। मई में पैरोल पर जेल से बाहर आए सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा एक बार फिर से मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सुबह सहारा के एक वकील की दलील से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें जेल में वापस भेजने का निर्देश दे दिया, लेकिन दोपहर में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से पहले वकील द्वारा कही गई बातों पर माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब सहारा प्रमुख के पैरोल का फैसला अगले बुधवार को होगा। सुब्रत राय को एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को 9 साल से अटकी राफेल फाइटर जेट डील पर साइन कर दिए हैं। भारत को करीब 59,000 करोड़ में 36 राफेल मिलेंगे। डिलीवरी 3 साल के अंदर शुरू होगी और 5.5 साल से ही सारे जेट्स भारत को मिल जाएंगे। भारत की तरफ से मनोहर पारिकर जबकि फ्रांस की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर जीन वेस ली ड्रॉयन ने इस पर साइन किए। राफेल लड़ाकू विमान की ताकत और रफ्तार के साथ ही भारतीय वायुसेना अपने सीमा क्षेत्र में रहते हुए भी पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर के ठिकानों को तहस नहस करने में सक्षम होगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि दिखाई नहीं देने वाली मिट्योर मिसाइल इस जेट को इस मामले में विशेष बनाती है। इतना ही नहीं, भारत को मिल रहे राफेल जेट में से 75% हर समय युद्ध के लिए पूरी तरह से लैस और तैयार रहेंगे। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन के बर्लिंगटन इलाके में एक मॉल के अंदर हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं भी हैं। मॉल को पुलिस ने खाली करवा लिया है, लेकिन फिलहाल शूटर पकड़ में नहीं आया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। अधिकारी ने लोगों को बर्लिंगटन के कास्केड मॉल क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह भी दी है। वॉशिंगटन स्टेट पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध स्पेनिश भाषा बोलता है और ग्रे कलर के कपड़े में है। हालांकि हमलावरों की सही संख्या के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी उम्र 20 से 25 साल है। हमलावरों को पकड़ने के लिए कॉस्केट मॉल में स्टोरों की तलाशी भी ली जा रही है। हमले के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बुला लिया गया है और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई दुकानों को बंद भी किया गया है। लोगों को किसी भी संदिग्ध के दिखने पर जानकारी देने के लिए कहा गया है। बलूचिस्तान के लोगों से एकजुटता दिखाते हुए यूरोपीय देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो पाकिस्तान पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगा सकता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट रिजॉर्ड सी ने कहा कि अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन पर रोक नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था।
वाइस प्रेसिडेंट रिजॉर्ड ने एनएनआई से बातचीत में कहा कि वो यूरोपियन यूनियन के मानवाधिकार के मुद्दे पर आयोजित हुई डिबेट में बोल चुके हैं कि जब देश ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रिजॉर्ड ने यहां तक कहा कि अब बोलने का नहीं बल्कि कार्रवाई का समय है। रिजॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन के द्विपक्षीय संबंध हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी नहीं बदलता है तो यूनियन अपना स्टैंड बदलेगी। रूसी थल सेना की एक टुकड़ी शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंची, जो आज से शुरू हो रहे पहले संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेगी। रूसी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम बावजा ने कहा कि रूसी जमीनी बलों की एक टुकड़ी पहले पाक रूस संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है। दरअसल उरी हमले के बाद खबर आई थी कि रूस ने भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। भारत को उम्मीद थी कि रूस पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास के अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा, लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को इस युद्ध अभ्यास की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये युद्ध अभ्यास किसी विवादित क्षेत्र में नहीं होगा और इसके स्थल के बारे में भारत को जानकारी दे दी गई है। पाकिस्तान और रूस के बीच युद्धाभ्यास ऐसे वक्त पर होगा जब मॉस्को और इस्लामाबाद के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं और इस्लामाबाद अत्याधुनिक रूसी युद्धक विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। सैमसंग के स्मार्टफोन में आग और बैटरी ब्लास्ट का मामला थम नहीं रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक कमर्शियल फ्लाइट में सैमसंग नोट 2 मोबाइल में आग लग गई। भारत में सैमसंग के इस सेट में आग लगने का यह पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन से जुड़ी ऐसी खबरें आ चुकी हैं, जिसके बाद कंपनी ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी और सभी यूजर्स से हैंडसेट वापस करने के लिए भी कहा था। मोबाइल में आग लगने की यह घटना इंडिगो फ्लाइट में उस वक्त हुई जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रही थी। ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व साफ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म है और इन अटकलों के बीच गोल्ड इस साल 25% महंगा हो जाएगा। अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ घरेलू मार्केट में दिवाली तक गोल्ड में तेजी देखी जा सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अब फेड की अगली मीटिंग दिसंबर को है, ऐसे में दिवाली तक गोल्ड 32,000 रुपए के स्तर पर जा सकता है। दिवाली के मौके पर गोल्ड का दाम 31,500 से 32,000 रुपए के दायरे में रहने की संभावना है। हालांकि दिसंबर में गोल्ड में नरमी का दौर शुरू हो सकता है।